नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। अमृतसर में टिफिन बॉम्ब मिलने के बाद पंजाब में हाई अलर्ट। पाकिस्तान ने जिस तरह से हथियार भेजे थे उसकी तलाश तेज कर दी गई है। पाकिस्तान से सटी सीमा पर बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। अमृतसर रूरल में पाकिस्तान के स्लीपर सेल की तलाश तेज कर दी गई है। तो सरहद पार से ड्रोन के जरिए बारूद और हथियार भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान से आरडीएक्स वाला टिफिन बॉम्ब मिलने के बाद लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज चौकन्ना नजर आ रही हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं का स्लीपर सेल किस तरह से काम कर रहा है और इससे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। और पाकिस्तान बॉर्डर से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, ये बताइए कि सर्च ऑपरेशन लगातार अब अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस स्लीपर सेल तक पहुंचना इस वक्त पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए ये बारूद ड्रॉप कराया गया था अमृतसर में। जी बिल्कुल, देखिए जो टिफिन बम था उसके माध्यम से कहीं ना कहीं 100 मीटर के दायरे में 2 किलो आरडीएक्स से नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। अब ये हथियार, टिफिन बम, ये सब तो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन इनका मकसद क्या था, कौन वो लोग हैं जिनके पास पंजाब में ये हथियारों की खेप भेजी जानी थी, इसको लेकर लगातार आप देखिए पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं इस वक्त अमृतसर के जंडियाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार पूरी एक पुलिस की टीम है, उनके साथ डॉग स्क्वाड है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी संदिग्ध लगता है बाजारों में जाकर उसकी चेकिंग की जा रही है। लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और खुद अमृतसर रूरल इलाका जहां पर ये टिफिन बम और अन्य हथियार, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, वहां के एसपी खुद इसको लीड कर रहे हैं, कमलप्रीत सिंह चहल साहब। चहल साहब, ये सर्च ऑपरेशन क्या रूटीन हो रहा है या फिर स्पेसिफिक जो जिन लोगों तक ये हथियार पहुँचाए जाने थे उनकी तलाश में हो रहा है? ये जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट हुआ है, उसी के मद्देनज़र हो रहा है कि जैसे वेपन की भी अभी जो हथियार आए थे ड्रोन के जरिए आए हैं यहाँ पंजाब में, वो तो हम लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है और कहाँ पे वो कौन बंदे हैं, क्या वारदात करनी है, वो सारे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो एक अलग से देखिए सर, ये बहुत अच्छा आप लोगों का इनिशिएटिव था कि आपने हथियार वारदात से पहले ही बरामद कर लिए, लेकिन वो लोग भी पकड़े जाने चाहिए जो यहाँ पर छिप कर बैठे हैं, जिनके पास ये हथियार पहुँचाए जाने थे। जी बिल्कुल, उसकी अलग से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हमारी बनी हुई हैं और वो हम लोग अपने सोर्सेज वगैरह भी लगा रहे हैं। सारे जितना भी हमारे पास है सोर्सेज है उनके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, वो जल्दी हम लोग उनको ट्रेस कर लेंगे। तो उन लोगों की भी तलाश हो रही है जिनके पास ये हथियार पहुंचाए जाने थे। मैं आपको बताऊं, जितने भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, खास तौर पे अमृतसर रूरल का जो इलाका है, वहाँ पर पुलिसकर्मी इसी तरह से ही लगातार बाजारों में जा रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि अगर कोई संदिग्ध टिफिन बॉक्स मिले, कोई सूटकेस मिले, कोई प्रेशर कुकर मिले तो वो बॉम्ब हो सकता है, और लोग अवेयर करें पुलिस को। इसको लेकर लगातार यहाँ पर अलर्ट भी लोगों को किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित मल्होत्रा आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। सरहद पार से पाकिस्तान से लगातार ड्रोन वाली साजिशों का सिलसिला जारी है और अब रूरल अमृतसर का जो एरिया है वहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है, डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।